हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी के स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है वी द वुमेन। जब महिलाओं की बात आती है तो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, हम बात करते हैं वुमेन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की और ऐसे कई मुद्दे हैं। लेकिन अब दौर बदल रहा है, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अचीवमेंट्स की, अलग अलग क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों की। और वी फील वेरी प्राउड कि अब जो महिलाएँ हैं अलग अलग क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं। हमारा ये सेक्शन उन महिलाओं को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए, सिर्फ पैशन फॉलो नहीं किया लेकिन बहुत बेहतरीन हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और ये स्टोरी आपको भी इंस्पायर कर सकती है, बिकॉज अब भी एक ऐसा तबका है महिलाओं का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबकर, बहुत सारी मजबूरियों में, बहुत सारे हर्डल्स की वजह से आगे नहीं आ पा रही हैं, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रही हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं नागपुर की द फर्स्ट वुमेन हु सर्विंग एज जॉइंट सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव हर इन आवर शो, एंड शी इज नन अदर देन अश्वती दोर्जे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। एक्चुअली सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी आपको, अमितेश सर को एंड पूरी एंटायर टीम ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि आप लोगों ने नागपुर के क्राइम को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। एंड मैं प्राउडली कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं डर है अब क्रिमिनल्स में और रेट भी कम हुआ है, तो सो थैंक यू फॉर दैट। बट आपको मैं आपके बचपन में ले जाना चाहूँगी, शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों से जब पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो आपसे मैं खासकर पूछना चाहूँगी, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड था, एक फिल्म डायरेक्शन कर रहा है आपके फादर, अगर आप लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते मैं बताना चाहूँगी कि इनके फादर एक बहुत ही रिनाउंड फिल्म मेकर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। आपने क्या सोचा था कि आप बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनेंगी? देखिए, बड़े होते समय मेरा मन में कभी नहीं था कि मैं UPSC लिखूंगी या IAS IPS कुछ बनूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ था, मुझे जिस भी कोई भी एरिया में जाना है तो मुझे एक्सेल करना है। वो उसमें मैं बहुत श्योर थी। तो एरिया चुनते समय इनिशियली मेरा ये, क्योंकि मैं एकेडमिकली थोड़ा इंक्लाइंड थी, रैंक होल्डर वगैरह रही है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में रिसर्च करने का मेरा तैयारी था। और मेरा BMA जैसे जो हुआ उसके साथ साथ मैंने UGC पास कर दिया, लेक्चरशिप की तरफ जा रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने PhD के लिए ज्वाइन कर दिया, मेरी जो गाइड थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, मैडम को हार्वर्ड में फेलोशिप मिला, एंड मैडम काफ़ी एक्साइटेड थी उसके बारे में। और फिर उन्होंने हम PhD स्टूडेंट्स को बुला दिया, बोले कि आई एम वेरी सॉरी, तुम लोगों को मैंने अपने तरफ ले लिया था, बट आई नीड टू गो नाउ। सो दैट वाज अ बिग शॉक एंड दैट फोर्स मी टू थिंक। सो एट अ वेरी लेटेस्ट, वेरी वेरी लेट स्टेज आई डिसाइडेड टू टेक द UPSC एग्जाम। ओके, बट देन टू कमिंग बैक टू योर फैमिली बैकग्राउंड, फादर जो हैं इतने रिनाउंड रहे हैं, इतना नाम रहा है उनका, उनसे कभी डिस्कशन होता होगा तो कभी ये चीज़ रहा कि नहीं यार तुम UPSC क्यों कर रही हो, फिल्म मेकिंग या फिल्म में हेल्प क्यों नहीं? ऐसे तो कभी उनके तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि फिल्म मेकिंग में जाना आकर, एंड एकेडमिकली इंक्लाइंड थी तो उन्होंने भी शायद एक्सपेक्ट कर दिया कि मैं भी रिसर्च में जाऊँगी और अब्रॉड जाऊँगी। तो हमने मतलब एप्लीकेशंस वगैरह भर के वगैरह दिया था, बट व्हेन दिस काइंड ऑफ अ रिजल्ट केम, तो मैंने उनके साथ बोला कि मेरे क्लोज फ्रेंड है, शी इज टेकिंग द UPSC एग्जाम, सो आई आल्सो वांट टू टेक। तो इनिशियली ही वाज लिटिल क्या बोलते हैं, सरप्राइज्ड, एंड ही वाज अ बिट सिनिकल अबाउट इट। ही वाज सेइंग कि डू यू रियली वांट टू, एंड यू नो it takes a lot of effort getting into, because you know I'd never had that kind of a name in front of me. He knew that I will go and get what I want, but he said you have to put in a lot of time and effort into this, and then you have to, your whole orientation is going to shift, so are you prepared to do that? It's a huge jump, and whether you'll make it, it's nobody knows. So it's in a leap into the unknown. So are you ready to take it? So I said yes, I'll have a go at it, and I'll see if I can do that. So since I was a rank holder from small school onwards, I was getting my scholarship, and this, and I took it as a challenge. I said now I'm going to crack this exam. Let me see, I've done well till now. I'll see whether I can do this here also. So it was more of a challenge getting actually, into it. Actually, yes, it was a challenge getting into it. I agree. कहीं ना कहीं UPSC एक शब्द से ही लोग डर जाते हैं, बिकॉज दैट वॉज अ टाइम जब हम भी बात करते हैं, देर आर सो लेस ऑप्शंस टू ऑप्ट फॉर, बट नाउ पीपल हैव सो मेनी ऑप्शंस, स्टूडेंट्स सोचने में कंफ्यूज हो जाए कि मुझे करना क्या चाहिए, इतने सारे ऑप्शंस, बट दैट टाइम बहुत सिलेक्टेड होते। UPSC ऑप्ट करना एक अपने आप में एक फियरफुल
टास्क होता है, जैसे आपने कहा कि आप कॉन्फिडेंट थी बट फादर कहीं ना कहीं सरप्राइज थे कि कैसे होगा, तो व्हाट डू यू थिंक कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट होता है? यूपीएससी डिफ़िकल्ट होता है, जैसे यूपीएससी के बारे में, एक तो फर्स्ट आपको एग्ज़ाम के बारे में अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आप कौन से ऑप्शंस लेना चाहते हैं, और फिर आप जनरल स्टडीज़ में स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पेपर वाचन आपका हैबिट होना चाहिए. एंड लकीली मेरा पहले से हैबिट था, पेपर पढ़ने की हैबिट थी, और घर में बहुत सारे पब्लिकेशंस, मैगजीन इकोनॉमिस्ट जैसे मैगजीन्स भी आते हैं, तो पढ़ने का पहले से था. सो दैट वेस इज वेरी मच देयर. ओके, देन सब्जेक्ट में मेरा, जैसे मैंने कहा कि मैं रैंक होल्डर थी, तो इकोनॉमिक्स नॉर्मली लोग कोई लेते नहीं यूपीएससी में, डरते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से लेना है तो इकोनॉमिक्स में आपका एक्चुअल मास्टरी होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसके साथ रह सकते हैं. एंड यूपीएससी एग्जाम जो है, आप प्रीलिम्स से लेकर अगर इंटरव्यू तक देखें तो इट टेक्स अबाउट 1.5 ईयर्स. ओके, तो एंटायर एग्जाम इज वेरी वेरी ड्रेंचिंग, आपका पूरा एनर्जी खींच लेते हैं, इफ यू डोंट मेक इट इन वन अटेम्प्ट, एंड उतना आपको डाउन भी कर लेते हैं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो उतना आपको संभालना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू मेक द नेक्स्ट अटेम्प्ट. बट देन देयर कम्स की आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत जल्दी मोराल डाउन कर देते हैं विथ वन फेलियर, एंड दैट टाइम आई स्टिल रिमेम्बर आप लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरी, क्योंकि आपने भी हर्डल्स देखे होंगे, आपने भी प्रेशर देखा होगा, बट इसके बावजूद फेलियर्स को ओवरकम करना, हाउ डिफिकल्ट इज दैट? इनिशियली जैसे मैंने बताया कि मेरा लेट डिसीजन था, तो इनिशियल मेरा अटेम्प्ट जो था, इट वाज नॉट अ कैजुअल अटेम्प्ट, बिल्कुल नहीं था, आई वाज वेरी सीरियस. ओके, तो जैसे मैंने प्रीलिम्स क्रॉस कर दिया था, मेंस भी लिया था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं फोकस जैसे वो था इनिशियल एग्जाम्स के बारे में करना था, तो कहीं तो कहीं चुक गए, तो मेरा मेंस एक 20 मार्क्स से छूट गई, जनरल कट ऑफ जो है मेंस का जो है उसमें से 20 मार्क्स से छूट गई, तो आई वाज इन कॉल फॉर द इंटरव्यू, सो दैट वाज अ सेटबैक. मेंस का रिजल्ट आता है इंटरव्यू का डेट्स के ऑलमोस्ट नजदीक, तो दैट वाज अ सेटबैक, तो एंड दैट काइंड ऑफ अ झटका मुझे पहली बार मिल रहे थे, तो यूजुअली मेरा पुश करके मेरा थ्रू एंड थ्रू टॉप में जाते रहते थे, सो तो मेरे लिए फिर वो प्रेस्टीज इश्यू हो गया, तो मैंने कहा कि अरे इस बार कैसे नहीं हुआ तो अगले बार तो होना ही है. सो आई रियली गॉट टू नो द एग्जाम, एंड आई टुक माई एंटायर एग्जाम प्रेपरेशन फ्रॉम केरला. मैं कहीं दिल्ली विल्ली नहीं गई, एंड बहुत ही सीधा छोटा सा इंस्टीट्यूट विच फोकस इज ओनली ऑन टेकिंग गुड सीरियस स्टूडेंट्स, इस तरह का 10 स्टूडेंट्स वाला एक इंस्टीट्यूट में एनरोल कर दिया. एंड वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ दैट इंस्टीट्यूट वाज दैट आपको एटलीस्ट 3 लाइब्रेरी में आपका मेंबरशिप होना चाहिए. ओके, हाँ, तो यू डोंट गेट अ सिंगल मिनट, आपको प्रॉपर लाइब्रेरी में जाके नोट्स लेके, जो पुराना जो ओल्ड स्कूल वाला तरीका है, अभी तो बच्चे सब गूगल से इधर से उधर से ढूंढ के यहाँ पे चुपचाप करके, ऐसा नहीं है, तो हार्ड वे जो है करके लिख के, सेकेंड अटेम्प्ट वॉज successful. Okay. So that is how I made it. I came in as rank 54 all India. Wow, nice. बट कहीं ना कहीं वही स्टूडेंट्स जो आजकल के, मैंने कहा कि इतने जल्दी बहुत जल्दी अपना मोराल डाउन कर लेते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर आप क्या कहेंगे कि आपने भी सेटबैक देखा बट आपका जो डिटर्मिनेशन था वो एकदम फोकस्ड था कि हाँ करना है, सो व्हाट यू हैव टू से टू दैट स्टूडेंट्स, टू दैट पीपल, कि वो बहुत जल्दी हो जाते हैं? शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए कभी भी, एक्चुअली कहीं भी हो, लाइफ में हो या एज अ स्टूडेंट हो, आपको शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए. समटाइम्स अ पाथ डस अपीयर टफ, आपको बहुत स्लॉग करना पड़ता है, बट इन द एंड दैट गिव्स यू लास्टिंग विक्ट्री, वो रहता है. एंड बीच बीच में सेटबैक्स होता है, लेकिन इफ यू आर ट्रॉडिंग द टफ पाथ, यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू समथिंग विच इज हार्ड, नॉट वेरी ईजी, सो देन यू आर यूज टू इट, यू कैन टेक इट ऑन योर सेल्फ. I totally agree because I have seen an experience, I have in that experience कि चीज़ें बहुत slow and steadily होती हैं, अगर आप passionate रहें, अगर आपका determination strong रहे तो होती हैं. trolls, setbacks हर किसी की life में होते हैं, मगर उससे सीखना एक बहुत ज़रूरी है. flaws हर किसी में होते हैं, flaws को flaunt करना आपको आना चाहिए. मैम UPSC पूरी सब चीज़ें तैयारी होने के बाद जब first आपका एक अपियरेंस होता है और आपका एक सिलेक्शन होता है, वो वाला जर्नी कैसा था? रिजल्ट आने के बारे में, ओके, रिजल्ट आते समय तो
मेरे घर में एक्चुअली आई वाज नॉट एट होम, मैं बाहर गई थी किसी फैमिली फ्रेंड के पास गई थी बिकॉज आई न्यू रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड देन मैंने कहा कि भाई लोग फोन करना शुरू कर देंगे मिला नहीं मिला एंड ऑल दैट, सो आई वाज नॉट वन ऑफ दोस वो जाके वो लेके बैठते कि आज ओके अभी आएंगे टाइप का, आई जस्ट लेफ्ट इट टू देम एंड आई वेंट एंड सैट एंड सेड नो प्रेशर में नहीं पड़ना है एंड देन सैट विद अ फैमिली फ्रेंड. ओके सो देन आफ्टर सम टाइम माय मदर फोन्ड एंड सेड कि देयर इज अ मेरे फादर के एक जर्नलिस्ट फ्रेंड है दिल्ली का, तो ही फोन्ड एंड सेड कि डॉटर इज कमिंग 54 में मिला है एंड ही वाज कंग्रेचुलेटिंग, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. देन पीपल बाय इवनिंग इट बिकेम क्लियर दैट आई विल बी गोइंग टू खाकी बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर ईयर द नंबर ऑफ पोस्ट वाज केप्ट लो वेरी शॉर्ट वेरी नंबर ऑफ नंबर्स वाज केप्ट वेरी लेस बाय द गवर्नमेंट. ओके सो द ओनली द फर्स्ट 13 जनरल विल गो इन टू आई एस इस टाइप का था. सो आई मिस्ड इट बाय अराउंड 8 मार्क्स एवरी क्वार्टर मार्क यू नो यू कम डाउन बाय 1 रैंक इस टाइप का है. यूपीएससी सो टफ. सो सिंस माई रैंक वॉज 54 I got into IPS, which is my second choice. Right. So I was a bit yucky. I mean, getting into IPS, even though I have a relative in serving in IPS, but I thought ki karna kaisa hai. But then I thought about the times that I have worked, even as a researcher. I have done projects which is very people oriented. thanks to my HOD, she used to involve me in projects, and I used to work especially in areas of women empowerment and things like that. So I used to enjoy doing that. आपको देख के वो लगता है एंड दिस शोज बिकॉज आजकल मैं कहना जो खुशी हर किसी को होती है अगर हम कुछ अचीव करते हैं हम खुशी को बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें ना हमारे जो फोकस है हमारा जो ट्रैक है ना उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है एंड दैट मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है बिकॉज इतनी बड़ी चीज़ थी एंड यू टुक इट सो कामली कि ठीक है हो गया मतलब हाँ हो गया. मैम फर्स्ट टाइम दैट कॉस्ट्यूम केम टू यू एंड यू वोर दैट कॉस्ट्यूम हाउ वाज द फीलिंग? कॉल इट द कॉस्ट्यूम, इट्स अ यूनिफॉर्म. हाँ यस ओके सो या द यूनिफॉर्म आफ्टर वी गॉट टू नेशनल पुलिस अकेडमी देन वी वर मेड टू वेयर द यूनिफॉर्म एंड देन बट नेशनल पुलिस अकेडमी विल lead you into the profession, you know, in a very professional and, you know, they'll ease that way out for you. And then slowly you become a police officer. That kind of thing will ease you into it. Okay. It starts with the physical activity, then it starts with, you know, they introduce you to physical activity. From there, they tell you about the classes and then they're very strict. One minute late and you get a memo. Okay. Very, very strict about it. One minute late anywhere, you are out to get it. So that kind of a thing that you better not, you better fall in line, you better do this, you better do that. That kind of a straight jacketing was, of course, new to me. But yes, and they said, no, you don't know. Well, we were undergoing training and people used to creep. So they would said, we were only about 28 of us. Okay. No, this is a very small batch of IPS. And they used to tell us, and you're cribbing that you're not having time, you're not having this. When you go out to the field, you'll find that the time is not your time. You feel that the public has more say on your time. Right. And all the activities that go on around you, you will not get any expected activity. Everything is going to come at you as a surprise and unexpected. Unless you have worked towards it and you know the trends and, you know, you're able to gauge some bit. But still, you will be in for a surprise. Okay. Maybe on a holiday, you get called off to duty. You might find that almost and all you're prepared for that. You're prepared for that. You know it. You can't attend. You can't attend all the functions in the family. Yes. Sometimes you might have to cancel a holiday. So this kind of things, it really prepare you for that and that one. Because that what a mindset that you will be serving the society and this will be happening and you were prepared for that because you wanted to do that one. But the feeling of a uniform, how does it feel to be in a uniform? A lot of responsibility. Yes. That's a huge amount of responsibility because the moment you go out, I remember when we were first posted in Gadchiroli, we were called out by the then DG to Nashik where the Kumbh Mela was going on. Okay. So Kumbh Mela, we went out just to see the arrangements. Okay. But then seeing us in uniform, people used to come and ask us for directions. Oh. And imagine the helplessness, we were new in Nashik and we did. And it felt bad telling the people that Amala Maiti nahi hai, actually. So then we will catch hold of some police person here or there and then ask which is the way, this is the way, and then tell these people, help them to get where you want to. So this kind of responsibility was, and you see an ocean of people. And if you say this way, that entire ocean will flow in that way. Actually. So that was a downright representation of kitna aap powerful hai and how you can turn the flow of society. That is a huge responsibility. Ashwati ma'am, kahin na kahin, mahilaon ke liye, kuch kshetra pehle bahut
एक डिसाइडेड रहते थे कि हाँ यहाँ महिलाएं नहीं जाती, यहाँ महिलाएं, बट अब तो हर क्षेत्र में महिलाएं 4 कदम आगे ही चल रही हैं। कंधे से कंधा मिलाना तो बहुत पुराना कोट हो चुका है, लेकिन अब तो आगे बढ़ रही हैं। बट दैट टाइम व्हेन यू ऑप्ट फॉर दिस, वहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं को एक अलग फील्ड में जाकर देखना सोसाइटी के लिए बहुत डिफरेंट होता है। हाउ वाज दैट? बिकॉज आपको घर से सपोर्ट मिला, बट आफ्टर वी टॉक अबाउट द सोसाइटी एंड रिलेटिव्स, हाउ डज इट हैपन? वेल, रिलेटिव्स में था कि अभी हमारे इसमें IAS में तो लड़कियां जाते हैं, इसमें कैसा रहेगा एंड ऑल दैट, दैट क्वेश्चंस वर आस्क्ड। बट सिंस माय इमीडिएट फैमिली वर वेरी वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माय फादर, व्हेन आई गॉट इनटू IPS, ही सेड दैट यू आर वर्क फॉर इट, यू गॉट इनटू इट, यू अर्नड इट, देन व्हाई शुड यू गिव इट अप फॉर एनीथिंग एल्स? आई मीन डेफिनेटली नो नो, वी आर नॉट गोइंग टू और गेट आउट ऑफ द यूनिफॉर्म, नो। सो दैट इज वेरी क्लियर. The second thing is, you know, about the male stereotype, you know, that you're getting into a man's profession. Yes. And then I was told while I was undergoing training in Mussoorie, before I got to National Police Academy, Hyderabad, that Ashwati ji, aap abhi police mein aaye hain, the other services ka jo batchmate hai, abhi aapko thoda sa gali galoch सीखना पड़ेगा। Okay. I said, why? I said, police mein to gali galoch bahut chalta hai, uske siwa to hota hi nahi hai kaam. आई सेड बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा मैं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है उस तरह का तो है ही नहीं है, मैं कोई गाली गलौज बोलेंगे तो वो भी थोड़ा सा ना मेड अप टाइप का लगेगा, बट मुझे ही अजीब लगेगा कि मैं ही बोल रही हूँ क्या करके। सो मेरा एटीट्यूड ऐसा था, बट टचवुड टिल नाउ आई हैव नेवर हैड टू यू नो अब्यूज एनीबडी टू गेट एक्शन करेक्टेड और थिंग्स लाइक दैट। आई हैव माय वेज ऑफ डूइंग इट, बट आई टेल पीपल नॉर्मली कि वेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एज एन ऑफिसर, आई एम एन ऑफिसर, आई एम नॉट अ लेडी ऑफिसर, आई एम एन ऑफिसर एंड आई एम योर सीनियर एंड आई एम एक्सपेक्ट यू टू गेट द वर्क डन, जो मैंने बता दिया आई एक्सपेक्ट द थिंग टू गेट डन, अदरवाइज आई हैव मीन्स ऑफ डिसिप्लिनिंग पीपल एंड टू माई दिस थिंग गुड फॉर्च्यून द पब्लिक हैव ऑलवेज लिसन टू मी, they have supported whenever I had faced a law and order situation, I got up, I remember I got up on top of a vehicle and talked to the public and they listened to me, and that actually prevented a riot. So as I've done that in Wardha, I've done that in Mumbai where I was DCP. Both occasions public have listened and have had good control. So people say I've got good skills in crowd because control. I think ma'am, it's a vice versa behavior. The way you are behaving, the way you are behaving with the people, आपको भी वही मिलेगा, क्योंकि प्यार दोगे प्यार मिलेगा। सही। अगर आप उनके साथ बर्ताव वैसा करोगे जो कहीं ना कहीं सॉरी टू से, बट पुलिस डिपार्टमेंट पे कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि दे बिहेव लाइक दिस या ऐसा कुछ होता है, बट मुझे लगता है कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? सी, अननेसेसरली हार्श बनने का वो जमाना चला गया है। yes. Yes. I know you have, I mean you are coming into a more civilized phase. Yes. Jahan pe you are expected to behave in a more civil fashion. Very true. And the public also expect that. I mean they are open to the rest of the world. I mean the Very moment true. The click of a button you have the world at your fingertips. Very bolte hain. Yes. So and in this age and time, if you expect the public and you treat the public on par, then that really rapes root. Right. So and that was about the society, but if we talk about the women power in a police department, what's that environment? Because it is difficult initially, but what do you have to say about this? See, in women power in department, it also depends on your upbringing, you know. Okay. I see a lot of lady personnel officers who might have been read saying that you are a girl and you know they might have faced a lot of obstacles, issues coming up. Right. So they have the thing in the back of their mind. So when they feel they have a lady officer and a male officer, they listen more to the male officer and less to the lady officer, regardless of the rank. Then you understand that there is some issue that they have themselves, they are grappling with that issue. Right. So one, that requires a little bit of understanding, that's yes. all. But in my case, I always attract lady officers. Like I have been head of immigration in Mumbai. Okay. Which is a very challenging post. It's got 135 flights in a day. Ooh. 80% of it in the night. Okay. Take care. And then I also did foreigners registration. Yes. So I have handling 5 offices, including 2 seaports and an airport. Right. And it means I mean getting odd calls at night. It also means dealing with a whole lot of people drawn from different areas, from the police, from the paramilitary, and all that working in
as immigration officers. So the lady officers there are under a lot of stress. Okay. I mean, and yeah, you mm-hmm. have only a split second to take a decision whether the person has to be taken into the country or has to be deported. Okay. Or then we need to give an exit or an entry. Mm-hmm. So this kind of a thing, the number of ladies mm-hmm. who came to me from Delhi, yeah, yeah. from Hyderabad, from Calcutta, mm-hmm. And suddenly I found that my team of 8 was having about 6 ladies. Okay. So so we were a very empowered lot, and right. we were the ones who brought in the new terminal. Okay. Okay, the wow. new terminal that you see in Mumbai T2. Interesting. When we had the new terminal, we mm-hmm. were, you know, very, very persistent in getting the maximum space for immigration in okay. a space-starved Mumbai. Wow. The maximum space for immigration in the country, okay. any airport, is in Mumbai. Fantastic. So, you know, that kind of leadership, and it mm-hmm. showed in times of, you know, mm-hmm. Staff crunch. Mm-hmm. All these ladies, they have families back home. They all left their families and worked through holidays okay. to make sure that mm-hmm. our clearance is right. max. Right. Perfect. And then, you know, our work against human trafficking and, you know, all the illegal activity regarding right. passport forgery and right. things like that, all is up to date. Okay. So, you know, if you trust, repose, faith in women, I agree. They will agree. Show that, actually, you know, what they are made of. Very true. It's just a bit support from family, society, and just see what women can do. They can fly with colors and they can fulfill their passion as well, and they are so supportive and caring. I think they don't have a tendency to bitch behind because they are so supportive. Ashwati ma'am, kahin na kahin IPS as a career, how it's wise to have IPS as a career? First of all, I would say that as a career, whether it be a male or a female mm-hmm. officer, you should be you know, having that you should be happy in interacting with right. the public. Yes. Because in IPS especially, from mm. every stage, from the time you enter as an assistant superintendent of police to the time that you retired as a DGP, you are interacting with the public. Every stage, mm-hmm. you can't escape the public. So right. if you like interacting with the public and you're happy doing that, then this is a profession for you. Okay. Okay. Yeah. If we talk about your journey, and now you have serving as a joint CP of Nagpur and the only woman, the first woman actually. How does it feel, and how was your experience so far? Good. I mean, Nagpur has many challenges. Yes. And being the only joint CP who has to take care of crime, law and order and admin, I mean, it's a whole lot of responsibility. Absolutely. I would say. So I've been looking at ways in which, you know, we can control to especially crime prevention. Mm-hmm. So one of the programs we launched is basically aimed yes. at helping young girls. Yes. It's called Police Didi. Yes. In that, we have created teams of police didis in each of our 33 police stations. Right. So it comprises of an officer and 3 to 4 women personnel who are the police didis. Okay. They have been specially trained for this program. Okay. So what they do is they go to the schools mm-hmm. and they talk to the 12 to 18 year olds. Okay. It's basically yes, high school yes. girls. And then tell them about good touch and bad touch, okay. how to respect their mm. bodies, how to protect themselves, right. and how to prevent unwarranted advances, okay. and what to do if something of the sort right, happens right. or comes to their notice, right. mm-hmm. and how to keep the focus on their future okay. and not fall prey to temptations. Actually, yes. So, is tarah ka ek focus se hum log chal rahe hain. Mm-hmm. So, the program has been on for about 4-5 months now, okay. and it has given us a lot of good results, okay. a lot of people have been prevented from running away. Those right. who were caught, you know, they were recovered after running away. Also, the didis were able to speak to them. Okay. Unse okay. baat karke, unko samjha uh-huh. ke, uh-huh. kya sahi hai, kya galat hai. Jaise ek ladki, ek bahut hi gareeb, ek shahidkari family se thi. Uh-huh. Unhone apne father ne jo fasal bech kar 50,000 paisa, 50,000 uh-huh. rakhe the ghar mein, wo 50,000 leke nikal gayi thi. Okay. जस्ट बिकॉज उसने ऑनलाइन किसी फ्रेंड से अच्छा. और वो राजस्थान जा रही थी उसको रेलवे स्टेशन में पकड़ा गया okay. और उनको लेके समझा दिया गया तो घर में कुछ मतलब पढ़ाई नहीं करती ऐसे छोटे छोटे चीजों से उसके ऊपर झगड़ा भांडण होता था okay. तो उससे वो नाराज थी तो उसको लगा कि वो फ्रेंड वहाँ पे अच्छा है फ्रेंड के पास अच्छा, पैसे लेके जाते yes, हैं तो इनको समझा दिया अच्छा से समझा दिया काउंसलिंग कर दिया प्लीज दीदी इसने तो लास्ट में वो रोई अपने फादर के माफी मांगी और फिर पेरेंट्स के साथ चली गई तो दिस इज वन इंस्टेंस जहाँ पे yes, हुआ yes. है तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज इंटरनेट वर्ल्ड एक एडवांटेज तो दे रहा है मगर उसका इतना डिसएडवांटेज लिया जा रहा है एंड दिस इज हैपनिंग अ लॉट बिकॉज
गर्ल्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय पीपल ऑनलाइन एंड दे आर मेकिंग फ्रेंड्स विच इज अ रिस्क टास्क. आई डोंट से कि इंसान गलत होगा, बट किस तरह से ये चीज देखी जा सकती है, किस तरह से जज की जा सकती है मैम? ऑनलाइन जो है क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में खास लड़कियों से बताया जा रहा है, क्योंकि लास्ट एक साल पूरा जो है लड़कियों ने अपने स्मार्टफोन में क्लासेस है करके माँ बाप ने दे के दिया है, लेकिन उनको मॉनिटरिंग करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है. लड़कियाँ क्या डाउनलोड कर रही हैं, कहाँ किसके साथ चैट कर रही हैं, उनको मालूम नहीं है. और अनफॉर्चुनेटली ये लड़कियाँ एक बार उसमें फंस गई है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है. तो उसके बारे में भी उनको बताया जाता है कि जो एनोनिमिटी जो नेट देते हैं और जो फोटोज जो डालते हैं वो फोटोज सही नहीं होते हैं, अक्सर वो गलत होते नहीं. तो इतने छोटे लड़कियों को प्रलोभन में डालने वाला तो वो सही होता ही नहीं है, तो उसके बारे में उसको समझा दिया जाता है. और इस तरह का फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप अनलेस पहचानते हैं उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ही नहीं है. और अगर कोई आपको स्टॉक कर रहे हैं तो इमीडिएटली पुलिस दीदी को इन्फॉर्म करना, कारण पुलिस दीदी जो है अपना नंबर उनके साथ शेयर करते हैं, अपना पुलिस स्टेशन का नंबर, अपना हेल्पलाइन का नंबर, कंट्रोल रूम का नंबर, जिससे कि वो इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें और हमारा सहायता ले लें. ओके, किस तरह का रिस्पॉन्स, जैसे आपने कहा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आगे क्या प्लानिंग्स हैं पुलिस दीदी को लेकर? आगे प्लानिंग ऐसा है कि पुलिस दीदी में से बहुत सारे हमें इनसाइट्स मिले हैं, जैसे पता चला है कि कई ठिकाने स्पेशली जहाँ पे जो झोपड़पट्टी स्लम एरिया से वहाँ पे जो थोड़ा क्रिमिनल एलिमेंट है जो लड़के होते हैं उनके तरफ लड़के आकर्षित हो रहे हैं. अच्छा, हाँ, तो उनके साथ भागने के भी कुछ इंस्टेंट्स हमारे सामने आए हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो हीरोगिरी मतलब स्ट्रट करता है, थोड़ा कायदा छोड़ के कोई छोटा मोटा चोरी करके कायदा तोड़ कर घूम रहा है, तो लोकल मोहल्ला के लोग थोड़ा सा डरते होंगे, इससे लड़कियों को थोड़ा सा अट्रैक्शन लग रहा है. जो इस तरह का गलत चीज़ें जो है जहाँ पे वो लड़के हो रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि लड़कों के बारे में भी एक कैंपेन चलाना चाहिए, लड़कों को बताना चाहिए कि जहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए वहाँ पे छोटे मोटे चोरी करके आप हीरोगिरी मत करो, अच्छा सा पढ़ाई कर दो, आप स्पोर्ट्स में एक्सेल कर दो, आप अपना राह बना दो और उसमें आप हीरो बनो. वेरी ट्रू, दो ही सही हीरोगिरी होता है, एक्चुअली क्रिमिनल वाला हीरोगिरी छोड़ दो. तो उसके लिए भी हम एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं, तो जिससे कि उस एज पे जैसे अभी लड़कियों के इसमें लड़कियों का मिसिंग होना, किसी रैकेट में होना, उनका शोषण होना, रेप होना, उस तरह के ऑफेंसेस हम प्रिवेंट कर रहे हैं. जैसे लड़कियों के केस में चोरी का ऑफेंस, ड्रग अब्यूज का ऑफेंस, एनडीपीएस का ऑफेंस, हर्ट का ऑफेंस, मर्डर का ऑफेंस, आगे जाके उस तरह के ऑफेंसेस हम एकदम बेसिक स्टार्टिंग स्टेज में ही उसका निप करने का वही हमारा उद्देश्य है. Fantastic. Thank you so much, ma'am, for giving your precious time. So, जैसे कि ma'am ने कहा, and hurdles किसकी ज़िंदगी में नहीं आते, परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, setbacks किसकी ज़िंदगी में नहीं आते, हर किसी की ज़िंदगी में. अब भी हमारे ऐसे कई काम हैं जहाँ पर हमें failure मिलता है, trolling होती है, but अगर इससे अगर हम अपने passion को आगे नहीं ले जाएंगे तो गलती और ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारी होती है. अगर आप महिलाएँ भी अपने passion को follow करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो hurdles और अपनी परेशानियों को overcome करने की कोशिश करें. We the women is all about that. So, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ. तब तक लीजिएगा इजाजत. नमस्कार.